नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। कानपुर के बिजनेसमैन मनीष गुप्ता की कथित हत्या मामले में एक एक लाख के इनामी आरोपी इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन दोनों आरोपी पुलिसकर्मी को गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार किए गए एक आरोपी का नाम इंस्पेक्टर जीएन सिंह और दूसरे का नाम एसआई अक्षय मिश्रा है। इसके बाद दोनों पुलिसकर्मियों को कानपुर एसआईटी के हवाले कर दिया गया है। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता अपने दोस्तों के साथ गोरखपुर के एक होटल में ठहरे थे, जब पुलिसकर्मी उनके कमरे में दाखिल हो गए थे। इसके बाद उन्होंने कथित रूप से पीट पीट कर मनीष गुप्ता की हत्या कर दी थी। इस मामले में गोरखपुर के 6 पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया गया था। घटना के बाद से ही आरोपी फरार हो गए थे, जिनमें से 2 को आज गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की शुरुआत में फरार आरोपियों पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था, जिसके बाद में इसे बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दिया गया। मामले के तूल पकड़ने के बाद विपक्ष ने योगी सरकार पर हमला भी बोला। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी और अन्य परिजनों से मुलाकात की थी। बाद में सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी थी। हालांकि केस को सीबीआई ने अब तक टेक ओवर नहीं किया है। इसकी वजह से एसआईटी की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।